अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं आप स्कॉलर्स? आप सुन रहे हैं जियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 20वें लेक्चर का 5th पार्ट है। आज का हमारा टॉपिक है विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू परफॉर्म इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस जगह कौन सा टेस्ट लगना है। प्रीवियस लेक्चर में स्कॉलर्स हमने आपको डिफरेंस बताया था कोरिलेशन एंड काज एंड इफेक्ट का, कि किस स्टडी को हम कहेंगे कि ये कोरिलेशन है और किसको हम कहेंगे कि ये काज एंड इफेक्ट है। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म होंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो उसमें तीन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, तीन तरह के टेस्ट परफॉर्म होंगे। नंबर फर्स्ट, आपके टेस्ट परफॉर्म होंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद आप लगाएंगे टेस्ट फील ऑफ द डाटा, कि डाटा की फील क्या आ रही है। फिर आप टेस्ट लगाएंगे स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग में बेसिकली आप दो, इसकी दो तरह की है। नंबर फर्स्ट, गुडनेस ऑफ द डाटा, जिसमें आप ये देखते हैं कि मेजरमेंट मॉडल कैसा है आपका, जो मॉडल आपने बनाया है वो कैसा है। फिर आप टेस्ट रन करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उसमें बेसिकली आप स्ट्रक्चरल मॉडल करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है आपने अपने रिसर्च मॉडल में, जिसको आईवी की स्टेज पर रखा, जिसको डीवी की स्टेज पर रखा, जिसको मीडिएशन के स्टेज एज ए मीडिएटिंग वेरिएबल लिया, किसी को मॉडरेटिंग वेरिएबल लिया, ये स्ट्रक्चरल जो मॉडल है आपका, जो आपके हाइपोथेसिस हैं बेसिकली पार्ट सेकंड में, जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल का पार्ट सेकंड है, उसमें हम इसको टेस्ट करते हैं। तो इन तीन चीज़ों से बाहर आपके स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं है। नंबर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, नंबर सेकंड फील ऑफ द डाटा, नंबर थर्ड स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में दो तरह के काम है, मेजरमेंट मॉडल एंड स्ट्रक्चरल मॉडल। अब हम इनकी डिटेल में जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बेसिकली ये एक सिंपल टेस्ट है, इसमें आप रिस्पोंडेंट्स की प्रोफाइल के बारे में बताते हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स आपने इस स्टडी में लिए हैं उनकी प्रोफाइल क्या है। क्वांटिटेटिव स्टडी में जिस तरह से आपकी ये चीज़ अहम है कि आप ये बताएं कि जी आपका कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या कौन सा रिजेक्ट हुआ, फिर आप उसको थ्योरी से रिलेट करें कि जी ये इस स्टडी में इस तरह से ये चीज़ थी जो कि मेरे साथ कोरिलेट करती है और मेरा ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ और ये अर्लियर रिजल्ट्स को के साथ मैच होता है, या फलां स्टडी में भी इस तरह से ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ था और ये मेरी स्टडी उसके साथ मैच होती है। उससे इससे ज़्यादा ज़रूरी पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। तो ये बहुत सिंपल टेस्ट, लेकिन जब आप एमएस या पीएचडी लेवल पे जब आप डिफेंस कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो आते हैं वो बेसिकली रिजल्ट्स के नहीं आते, जो आप हाइपोथेसिस टेस्ट करके लेके जाते हैं वो आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी आपकी पॉपुलेशन क्या थी, आपकी सैम्पलिंग क्या थी, आपने सैंपल कैसे लिया, अच्छा आपने ये जो रिसर्च डिजाइन बनाया, ये जितने भी थर्ड चैप्टर में से क्वेश्चन हो रहे होते हैं वो बेसिकली रेस्पोंडेंट के प्रोफाइल की वजह से हो रहे होते हैं। तो आप इसको इजी मत लिया करें। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आपको ये एक तरह का एक टेबल रिस्पोंडेंट्स का अपनी रिसर्च में शामिल करना है। तो ये एक बहुत सिंपल टेस्ट है। आगे जब हम आपको प्रैक्टिकली टेस्ट लगवाएंगे SPSS में या दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो फिर आपको ये सारे टेबल वगैरह वहां से निकालना भी सिखाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन सा टेस्ट किस स्टेज पे लगना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का टेस्ट लगना है कि आपने रिस्पोंडेंट्स की प्रोफाइल को मेंशन करना है कि आपकी पॉपुलेशन क्या थी, उसकी क्या नेचर थी, क्या उनकी खसूसियात थी, क्या उनका एक्सपीरियंस था, उनकी जेंडर क्या थी, उनकी एजुकेशन क्या थी, उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कितना था। ये सारी चीज़ें इस तरह की टेबल आप इसमें देंगे। नंबर सेकंड पे जो आप टेस्ट लगाएंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, आप फील ऑफ द डाटा को देखेंगे। बेसिकली फील ऑफ द डाटा में आप क्या करेंगे, आप डाटा स्क्रीनिंग पहले करेंगे कि क्या इस डाटा में कोई मिसिंग डाटा तो नहीं है। अगर मिसिंग डाटा है तो उसकी ट्रीटमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे है वो हम आपको जब इसको प्रैक्टिकली करवाएंगे उसमें बताएंगे।
आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर लिया, उसका टेबल दे दिया, उसके बाद आपने फील ऑफ द डाटा को देखना है कि आपकी डाटा स्क्रीनिंग में आपकी मिसिंग डाटा तो नहीं है। फिर आपने देखना है डाटा नॉर्मैलिटी को। डाटा नॉर्मैलिटी में बेसिकली आप जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, किटोसिस, आउटलायर्स, ये टेस्ट लगाते हैं। इनकी वैल्यूज को आप देखते हैं, इनके सर्टन थ्रेशहोल्ड्स हैं उनको आप मेजर करते हैं, उनको आप देखते हैं कि ये उन थ्रेशहोल्ड से वैल्यूज बाहर तो नहीं जा रही। जब जा रही है फिर आप उसको ट्रीट करते हैं। फील ऑफ द डाटा का टेस्ट लगाने के बाद आप स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग पे चले जाते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग दो तरह की है जिसमें दो स्टेप से गुजरना पड़ता है आपको। नंबर फर्स्ट, मेजरमेंट मॉडल आपको पहले देखना पड़ता है, फिर आपको स्ट्रक्चरल मॉडल देखना पड़ता है। मेजरमेंट मॉडल में आप जो चीजें देखते हैं वो गुडनेस ऑफ द डाटा को आप बेसिकली देख रहे होते हैं कि डाटा कितना गुड है। फिर स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में आप गुडनेस ऑफ द मॉडल को देख रहे होते हैं कि आपका मॉडल कितना फिट है। अब हम इसकी आगे डिटेल में जाते हैं। मेजरमेंट मॉडल, जब आप स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल में मेजरमेंट मॉडल कर रहे हैं और आपकी स्टडी बेसिकली जब कोरिलेशनल स्टडी है तो फिर आपको इतना ज्यादा काम नहीं करना, आपको जस्ट जस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देना है और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद आपको फील ऑफ द डाटा को देखना है कि आपका फील ऑफ द डाटा ठीक है। तो आपको जस्ट कोरिलेशन का टेस्ट लगाना है और कोरिलेशन का टेस्ट लगाकर आपने अपने रिजल्ट्स कंपाइल करके अपनी रिपोर्ट दे देनी है। आप आगे तब बढ़ेंगे जब आपकी स्टडी काज एंड इफेक्ट है, आपकी स्टडी कोरिलेशनल नहीं है। अगर आपकी स्टडी कोरिलेशनल है तो फील ऑफ द डाटा के बाद कोरिलेशन का टेस्ट लगाएं और बस आपका काम खत्म। लेकिन अगर आपकी स्टडी इम्पैक्ट नेचर की है जिसमें काज एंड इफेक्ट आ रहा है, काजैलिटी के प्रिंसिपल पर बेस कर रही है आपकी स्टडी, तो फिर आपको आगे बढ़ना है, आपको मजीद कुछ टेस्ट लगाने हैं। वो टेस्ट कौन से हैं स्कॉलर्स, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे, और लाइक के बटन पर लाजमी क्लिक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। जब आपकी स्टडी काज एंड इफेक्ट स्टडी है और आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कराए, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कराए, तो अब आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको रिग्रेशन की अजम्पशंस को देखना है कि आपका जो रिग्रेशन है, बेसिकली रिग्रेशन में आप ये देखते हैं कि आपकी एरर टर्म या पी वैल्यू का बिहेवियर किस तरह का है। उसमें आप सात चीजों को देखते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस की जो अजम्पशंस हैं उसमें सात चीजों को देखा जाता है कि ये जो डाटा आपका है ये कॉजलिटी के प्रिंसिपल को मीट करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी के ऊपर है या नॉन लिनियरिटी के ऊपर है। फिर दूसरे नंबर पे एरर टर्म्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। फिर तीसरे नंबर पे एवरेज वैल्यू ऑफ द एरर टर्म शुड बी जीरो। फिर देर शुड बी नो ऑटो कोरिलेशन इन द डाटा। देर शुड बी ए होमोसिकडास्टिसिटी। देर शुड बी नो हेट्रोसिकडास्टिसिटी एंड नो मल्टी कोलिनियरिटी इन द डाटा। इन रिग्रेशन की अजम्पशंस को आप चेक करते हुए फिर आप आगे बढ़ते हैं। जब आपकी रिग्रेशन की अजम्पशंस मीट कर गई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद, आपकी रिग्रेशन की अजम्पशंस मीट कर गई, तो फिर आपका वो डाटा सेट फर्दर टेस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपने अपना मेजरमेंट स्केल नया बनाया है या पहले से बना हुआ स्केल को चेंज करके अडॉप्ट किया है, अगर आपका स्केल अडेप्टिड है या न्यूली डेवलप्ड है तो फिर आप EFA लगाएंगे। लेकिन अगर आपका स्केल अडॉप्टिड है, पहले से बना हुआ स्केल आपने विदाउट एनी चेंज इस्तेमाल किया, तो फिर आप EFA नहीं लगाएंगे, आप फिर डायरेक्ट CFA की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आपको EFA का एक टेस्ट लाजमी परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे आपकी फैक्टर लोडिंग आएंगी। फैक्टर लोडिंग आपको, अगर आपने अडॉप्टेड स्केल भी इस्तेमाल किया है जो कि पहले से बना हुआ था, फिर भी आपको फैक्टर लोडिंग्स तो देनी होती हैं। तो EFA के टेस्ट में आपको बेसिकली इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। इसमें आपको जो टेस्ट परफॉर्म करने हैं वो है KMO एंड बार्टलेस टेस्ट, प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट या प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग। अगर आपके वेरिएबल्स इस तरह का है कि आपका एक वेरिएबल ही बेसिकली मेन वेरिएबल है और उसके नीचे उसके
उसके सब वेरिएबल्स हैं या उसी की डायमेंशंस हैं, तो फिर आप प्रिंसिपल कंपोनेंट वाला टेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर आपका एक वेरिएबल और है और दूसरा वेरिएबल और नेचर का है, उन दोनों की आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है या वो किसी एक मेन कंस्ट्रक्ट का पार्ट नहीं है, तो फिर आप प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग लगाएंगे। इसी तरह अगर आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट लगाया है तो फिर आप उसके लिए टेस्ट, दूसरा टेस्ट आप लगाएंगे वेरी मैक्स का। लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग लगाया तो फिर उसके साथ आप टेस्ट लगाएंगे प्रो मैक्स का। ये टेस्ट जब आप लगाएंगे तो इनकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आपकी आएगी कि आपको केएमओ टेस्ट का आपको टेबल देना पड़ेगा, केएमओ टेस्ट का टेबल देना पड़ेगा, आपको कॉमनैलिटीज का टेबल देना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 0.5 से अबव वाली आप रखेंगे, बाकी आप वन बाय वन डिलीट करेंगे। फिर आपको पैटर्न मैट्रिक्स या रिलेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स की आपको टेबल देना पड़ेगा, जिसमें आपके सारे वो वेरिएबल्स फैक्टर्स में आ रहे होंगे कि ये इस वेरिएबल या इस फैक्टर्स में इतने आइटम्स आते हैं और ये आइटम्स इसमें नहीं आते। फिर आपको फैक्टर लोडिंग्स का टेबल देना पड़ेगा कि मेरे इन इन जो आइटम्स बच गए हैं वो उन आइटम्स में बेसिकली फैक्टर लोडिंग क्या आई है। अब जब आपने ईएफए कर लिया, ईएफए के बाद आप सीएफए की तरफ बढ़ते हैं। सीएफए बेसिकली मेयरमैन मॉडल है, जो कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का पहला पार्ट है। अब सीएफए क्या है, सीएफए में जब आप इनिशियली देखते हैं तो मोस्टली आपके इनिशियल जब आप इसको मॉडल मेयरमेंट करते हैं तो आपकी बहुत सारी वैल्यूज थ्रेशोल्ड के अंदर नहीं आ रही होती, तो फिर आप गिवन रूल्स के तहत ही जब आप एरर टर्म्स के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं तो फिर आपकी वो मॉडल की वैल्यूज बदल जाती हैं। लेकिन आपको अपनी अथेंटिसिटी शो करने के लिए इनिशियल मेजरमेंट मॉडल और फाइनल मेजरमेंट मॉडल, इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर को एक टेबल में शो करना होता है और फिर बताना होता है किस वैल्यू में आपने इंप्रूवमेंट की है और किस में आपने किसकी वैल्यू वैसी ही आप रही है और उसमें कोई चेंज नहीं आई। अब सीएफए में जब आप टेस्ट रन करते हैं तो बेसिकली तीन तरह के टेस्ट आप रन करते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है एब्सोल्यूट फिट मेजर्स, नंबर सेकंड है इंक्रीमेंटल फिट मेजर्स, नंबर थर्ड है पार्सिमोनियस फिट मेजर्स। एब्सोल्यूट फिट मेजर्स में आप काई स्केयर्स के साथ आप टेस्ट लगाएंगे रमीजा और जीएफआई का। जीएफआई आप ना भी लगाएं तो ये दो टेस्ट ही काफी हैं, काई स्केयर और रमीजा का टेस्ट। फिर इंक्रीमेंटल फिट मेजर्स में आप बेसिकली सीएफआई, टीएलआई, एनएफआई और आरएफआई ये टेस्ट लगाते हैं। इनमें से भी अगर आप सीएफआई और टीएलआई या एनएफआई दो भी अगर आप ले लें, सीएफआई या एनएफआई, तो ये भी काफी हैं। फिर पार्सिमोनियस फिट मेजर्स में आप पीएनएफआई या AIC या काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप इनमें से कोई एक टेस्ट लगाते हैं। नॉर्मली ज्यादा तौर पर काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम ये ज्यादा लगाया जाता है पार्सिमोनियस फिट मेजर्स को शो करने के लिए। मॉडल मेजरमेंट मॉडल की फिटनेस शो करने के लिए तीन तरह के मेजरमेंट्स को देखा जाता है, एब्सोल्यूट फिट मेजर्स, इंक्रीमेंटल फिट मेजर्स, पार्सिमोनियस फिट मेजर्स। एब्सोल्यूट फिट मेजर्स को आप काई स्क्वायर की वैल्यू से शो करते हैं और रमीजा की वैल्यू से शो करते हैं। इंक्रीमेंटल फिट मेजर्स को आप सीएफआई और एनएफआई की वैल्यू से शो करते हैं। पार्सिमोनियस फिट मेजर्स को आप काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू से शो करते हैं। अब जब आपकी आपका सीएफए आपका इनिशियल मॉडल थ्रेशहोल्ड के अंदर आ गया, फाइनल मेजरमेंट मॉडल जब आपका बना तो आपका आपकी वैल्यूज थ्रेशहोल्ड के अंदर आ गई, तो फिर आपको रिपोर्ट करनी है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को। रिलायबिलिटी में बेसिकली दो तरह की रिलायबिलिटी आप रिपोर्ट करते हैं, जो कि क्रॉनबेच अल्फा है या कॉम्पोजिट रिलायबिलिटी है। और वैलिडिटी में तीन तरह की रिलायबिलिटी आप रिपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, जिसके लिए AVE का टेस्ट या उसकी वैल्यू को रिपोर्ट किया जाता है। फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को आप CFI और रमीजा की वैल्यू से जस्टिफाई करते हैं। और फिर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी से मुराद है कि आपकी वेरिएबल्स में इनको रिलेशनशिप ना हो, इसकी वैल्यू 0.5 से नीचे हो, 0.85 से वैल्यू अगर आपकी कोरिलेशन की बिटवीन द वेरिएबल चली गई तो फिर आपकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का इशू है, आप उसको रिड्यूस करेंगे। अब जब आपने सीएफए कर लिया और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के भी आपने सारी चीजें मीट कर ली, तो फिर आप स्ट्रक्चरल मॉडल की तरफ जाएंगे कि जिस तरह से अगर तो आपकी स्टडी कोरिलेशनल है तो फिर तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल कोरिलेशन टेस्ट लगाएंगे तो आपको सीएफए ईएफए करना ही नहीं है, आपको जस्ट उसकी नॉर्मेलिटी को देखना डाटा को और कोरिलेशन लगा के आपको रिजल्ट दे देना। लेकिन अगर आपकी स्टडी काज एंड इफेक्ट है,
फिर आप उसकी रिग्रेशन की अजम्पशंस को भी मीट करेंगे, आप ईएफए भी लगाएंगे, सीएफए भी लगाएंगे, और सीएफए में जब आपका फाइनल मेजरमेंट मॉडल थ्रेशोल्ड वैल्यूज में आ जाएगा, ये जो नीचे हमने आपको काई स्क्वायर रमीजा सीएफआई एनएफआई काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं, ये टेस्ट लगा के आपकी वैल्यूज थ्रेशोल्ड वैल्यूज में आ गई, तो फिर आप रिलायबिलिटीज को रिपोर्ट करेंगे कि आपका क्रॉनबैच अल्फा क्या आया है, कॉम्पोजिट रिलायबिलिटी क्या आई है, इंटर कंसिस्टेंसी को शो करने के लिए। फिर वैलिडिटी आप बताएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट इस मरले में इस तरह से ज्यादा वैलिड तस्वूर किया जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। तो कन्वर्जन वैलिडिटी आप एवी का टेस्ट लगाएंगे, आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए कास्केयर और रमीजा और सीएफआई का टेस्ट लगाएंगे, और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए आप कोरिलेशन आप रिपोर्ट करेंगे। इसका टेस्ट भी लगता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का स्पेसिफिक टेस्ट भी लगता है वीआईएफ के नाम से। तो लेकिन अगर आपने कोरिलेशन रिपोर्ट कर दी तो आपकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी रिपोर्ट हो गई उसमें। अब जब आप स्ट्रक्चरल मॉडल लगाएंगे तो स्ट्रक्चरल मॉडल में आप सिंपल क्या करेंगे, आप स्ट्रक्चरल अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस तरह से आपने अपने रिसर्च मॉडल में उसको अपने मॉडल को बनाया, और एरोस उसकी तरफ करेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा वो आपको बता देगा कि ये वाला हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट है और ये वाला हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट है। या दूसरे नंबर पे आप अगर ये स्ट्रक्चरल मॉडल आप अगर एमओएस यूज कर रहे हैं तो आपको मॉडल बनाना पड़ेगा, उसमें एरोस के जरिए आपको पता चलेगा कौन सा आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। अगर आप स्मार्ट पीएलएस यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको इसी तरह स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अगर आप स्टाटा यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और आपका वो स्ट्रक्चर बताएगा कि आपका कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है और कौन सा रिजेक्ट है। लेकिन अगर आप एसपीएसएस में प्रोसेस हेज को यूज कर रहे हैं तो फिर आपको स्ट्रक्चर मॉडल नहीं बनाना, आपको स्ट्रक्चर मॉडल की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसमें जाकर प्रोसेस मॉडल में जाकर उसके मॉडल का नंबर देंगे, जो मॉडल आपका आपका मैच कर रहा है हेज के साथ, तो उसका जब आप नंबर देंगे तो उसकी वो रिजल्ट शीट निकाल देगा, उस रिजल्ट शीट में आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ और कौन सा रिजेक्ट हुआ है। अब हम आपको यहाँ लेक्चर तो पूरा हो गया, लेकिन अब हम आपको एक रिपीट करते हैं कि आपको किस जगह पे टेबल कौन सा शो करना है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देना है और उसका टेबल शो करना है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद आपको बेसिकली फील ऑफ द डाटा का कोई टेबल नॉर्मली देते नहीं है, लेकिन जब आप अपने कोरिलेशन का टेबल शो करते हैं ना, कोरिलेशन का टेबल जो हमने आपको यहाँ बताया है कि आप ये जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए आप कोरिलेशन की वैल्यूज देते हैं, तो वो कोरिलेशन का टेबल देने के लिए उसमें आप इसकी जो डाटा नॉर्मेलिटी में जो आप इसकी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, आप मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह की वैल्यूज वहां रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन स्क्यूनेस कटोर्सिस और आउटलायर्स की वैल्यूज आप रिपोर्ट नहीं करते। आपको रिपोर्ट करने की बजाय इसको खुद ही देखना होता है कि आपकी वैल्यूज थ्रेशहोल्ड में है या नहीं है, ये कहीं टेबल में नहीं देनी होती। अब लेकिन अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आप क्या होगा, जब आप सीएफए कर रहे होंगे तो आपका मॉडल जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू में नहीं आ रहा होगा और आपका मॉडल फिट नहीं बैठ रहा होगा, तो इसलिए उसकी वैल्यू को थ्रेशोल्ड में लाना जरूरी है। जब आपके सीएफए उसकी वैल्यू सीएफए की वैल्यू मॉडल फिटनेस की वैल्यू थ्रेशोल्ड में आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो पहले वाली वैल्यूज थी जो कि डाटा स्क्रीनिंग में आपने चेक की, स्क्यूनेस कुटोसिस आउटलायर्स, ये भी थ्रेशोल्ड को मीट करती थी। अगर इनमें मसला होगा तो आगे भी मसला होगा, लेकिन इनको रिपोर्ट नहीं करते आप किसी टेबल में। आप रिपोर्ट करते हैं सिर्फ मिसिंग डाटा को, आप रिपोर्ट करते हैं सिर्फ स्टेटमेंट की सूरत में कि जी हमने इतने मिसिंग डाटा था, उसको ये कर दिया और उसको ये कर दिया। स्टैटिस्टिकल में आप कोरिलेशन के टेबल में मीन मीडियन मोड या मोड की तो वैल्यू नहीं देते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की मोस्टली वैल्यू दे दी जाती है, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो कोरिलेशन के इसी टेबल में आप स्क्वायर रूट ऑफ ईवी की वैल्यू भी ब्रैकेट्स में देते हैं और वो आपकी शो करती है कि कोरिलेशन के टेबल में कि आपकी इस स्टडी में आपका जो रिसर्च मेथड था डाटा कलेक्शन का वो बाइस नहीं है, वो डाटा कलेक्शन का मेथड बेसिकली बाइस नहीं है। आपने एक स्टेज पर डाटा कलेक्ट किया या दो स्टेजेस पर डाटा कलेक्ट किया। अब जब आप आगे स्ट्रक्चरल इक्वेशन की तरफ गए तो आपने आपने काज एंड इफेक्ट स्टडी है आपकी, अगर आपकी कोरिलेशन स्टडी है तो सिंपल आप कोरिलेशन का टेस्ट लगा के अपने अपने स्टडी को फारिग कर देंगे और अपनी स्टडी को कंक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर काज एंड इफेक्ट है तो आपको रिग्रेशन के अजम्पशंस को लगाना है। अब रिग्रेशन के अजम्पशंस को जब आप चेक करते हैं तो आप इसका कोई टेबल शो नहीं करते, टेबल
टेबल शो करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही चेक करते हैं, आप सिर्फ रिपोर्ट कर देते हैं कि जी मैंने रिग्रेशन की अजम्पशन चेक कर ली थी। लेकिन अगर आप ये चेक नहीं करेंगे और ये मीट नहीं करती ये अजम्पशन इनकी, तो फिर आपके सी एफ ए की वैल्यूज जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यूज में नहीं आएंगी और आप फाइनल मेजरमेंट मॉडल अपना एक्सेप्टेंस वाले मॉडल में नहीं आ सकेंगे। तो जब आप वो चेक कर लिया आपने, अब आप इसकी रिग्रेशन की अजम्पशन, अब आप ई एफ ए में जो टेबल शो करेंगे वो कॉमनैलिटी, वो आप पहले तो आप के एम ओ का टेबल शो करेंगे बार्टलेस टेस्ट का, फिर आप पैटर्न मैट्रिक्स का टेबल शो करेंगे और फिर आप फैक्टर लोडिंग का टेबल शो करेंगे और फिर सी एफ ए में आप इसी तरह एक टेबल शो करेंगे अपने मॉडल फिटनेस का, इनिशियल मेजरमेंट मॉडल में क्या चीज़ें आई थी और फाइनल मेजरमेंट मॉडल में क्या आई थी, और उसमें आप जो चीज़ें शो करते हैं वो बेसिकली यही टेस्टों की वैल्यू शो करते हैं, काई स्केयर की वैल्यू क्या आई, रमीजा की वैल्यू क्या आई, सी एफ ए और इस तरह के दूसरे टेस्ट जो हैं। फिर जब आप अपनी फैक्टर लोडिंग देते हैं तो फैक्टर लोडिंग में वाले टेबल में ही बेसिकली आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की वैल्यूज को शो कर देते हैं, इसके लिए कोई अलग टेबल नहीं बनाते आप। जब जिसमें आप फैक्टर लोडिंग देते हैं तो फैक्टर लोडिंग में ई एफ ए में जब आप अपनी फैक्टर लोडिंग रिपोर्ट करते हैं तो फैक्टर लोडिंग वाले टेबल में ही बेसिकली आप अपनी रिलायबिलिटी की वैल्यूज भी पुट कर देते हैं, क्रोनबर्ग अल्फा वगैरह और कंपोजिट रिलायबिलिटी और ये वैलिडिटी की वैल्यूज भी आप वहीं पुट कर देते हैं और वहीं शो कर देते हैं। सिर्फ ए वी स्क्वायर रूट की वैल्यू आप कोरिलेशन के टेबल में शो करते हैं ब्रैकेट्स में, क्योंकि वो वैल्यूज माइनस में होती हैं। अब आपका स्ट्रक्चरल मॉडल में जब आप स्ट्रक्चरल मॉडल लगाते हैं तो फिर उसमें आप अपना फाइनल एक टेबल देते हैं कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट थे और ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट थे और ये अपोसिस एक्सेप्ट हुआ और ये अपोसिस रिजेक्ट हुआ, ये आपका फाइनल टेबल आता है। इसके अलावा और कोई टेबल नहीं आता। हाँ, अगर आप मॉडरेटेड मीडिएशन को भी अगर आपने प्रिंसिपल लिया है तो उसको आप ग्राफिक्स की सूरत में, डायग्राम की सूरत में भी जाहिर करते हैं कि मेरा मॉडरेटेड मीडिएशन का क्या इम्पैक्ट है। कुछ लोग मॉडरेटेड इम्पैक्ट की भी पिक्चर्स के साथ भी उसको शो करते हैं, उसको टेबल में भी शो करते हैं और पिक्चर में भी शो करते हैं। तो ये थे वो टेस्ट जो स्टैटिस्टिकली लगने हैं। अगर आप हमारा लेक्चर 23 और 24 को भी साथ देखें तो जिसमें हमने आपको पीएचडी और या एमएस थीसिस के फॉर्मेट के हवाले से बताया, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं किस स्टेज के ऊपर कौन सी चीज़ आनी है, ये बेसिकली वहाँ से भी आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। तो गाइज, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या है। आप हमारा 20वां लेक्चर, उसके 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 पार्ट्स को आप तरतीब से सुने ताकि आपको क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस की A to Z समझ आ जाए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।